हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एलिगेंस क्रेडिट फॉर नुज़हत रहमत। आज मैं एक हमारे पाकिस्तान में बहुत माशाल्लाह से मैं कहूँगी अच्छी फैसिलिटी हमें मिल रही है और शायद अब थोड़ी सी उसमें कुछ गैप्स एंड डिफिकल्टीज पर जस्ट डिस्कस करने का मौका मिल रहा है या मुझे ज़रूरत फील हुई है। बहुत सारे लोगों ने भी कहा, मैंने खुद भी फील किया। हमारे यहाँ पे कुछ टाइम से अगर पाकिस्तान में हम देखें लाहौर की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो 2 से 3 साल हो गए उबर क्लीन बहुत ही हो गए, 4 साल चले ले ले, 4 साल से ज्यादा कर सक नहीं हुआ। इतनी इन हुई कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सब कुछ, क्योंकि अगेन एक चीज थी कि उबर और क्लीन उस वक्त सेपरेट थी, इनकी आपस में इनका मर्जर नहीं हुआ था, कंपटीशन था, तो कंपटीशन में हम लोग कुछ बेहतर काम कर रहे थे। जब मोनोपोली का वर्ड आते थे, हम नौकरी हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हो जाते हैं, क्योंकि रीजन हम उसको ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है कस्टमर के पास मजबूरी है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है और उसे कहीं ना कहीं तो ऑफकोर्स जाना है और राइड भी लेनी है। उबर की जो मैं पहले थोड़ी सी बताऊंगी कि जो हमें बेहतर लगा था और अब क्या गैप्स हैं। उबर का पहले जब हम लोग लाइक ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब करते थे, तो जो गाड़ी और जो ड्राइवर होता था वो वही आता था, दूसरा कोई नहीं होता था। सेकंड पॉइंट, उबर की राइड मैक्सिमम विद इन 5 to 6 मिनट आपके डोर पे होती थी। अब क्या होते हैं, अब आप करते हैं, आपको जो आपका ड्राइवर है वो आपकी फर्स्ट फ्रेंड तो राइड कैंसिल करता रहता है। आई डोंट नो व्हाई, वो कॉल कुछ ड्राइवर से जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमें डिस्टेंस जो आता है इंडिया कार्डो से आपको के पास वो हार्डली 10 to 15 मिनट, बट आई थिंक सो 10 to 15 मिनट इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इट्स नॉट सिंपल कि किसी ने हॉस्पिटल जाने और उसने उबर करवाई इसी वजह से कि उसके पास अपनी फर्स्ट कन्वेंस नहीं है, तो वो एक इतना आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपकी इस चीज को लिया गया। एक ये चीज की उन्होंने ड्राइवर्स अपनी राइड वहां से अपने वहां से कैंसिल कर दी और दूसरे ड्राइवर्स को भेजते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट जो आ रहे हैं कि उबर पे जो लाइक वो तो इन्होंने ऐप के अंदर डाल दिए कि जी आप अपनी सेफ्टी को फोकस करें और आप बिफोर सिटिंग यू जस्ट चेक इट कि आपका ड्राइवर और आपकी गाड़ी वही है जो आपने राइड बुक करवाई थी। बट यहाँ पे भी एक गैप आता है कि मेरे पास जो लाइक जब ये लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरा उबर वालों की उबर की मैनेजमेंट से सवाल है कि जब आप रजिस्टर करते हैं, मैंने ये भी सुना है माइट बी आई एम रॉन्ग और आई थिंक सो, मैं इसके नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दूंगी क्योंकि आई वॉन्ट की कोई सीनियर जो पर्सन है वो हमसे कॉन्टेक्ट करे और जो सिटीजन की ये प्रॉब्लम है रिजॉल्व की जाए। उसमें एक जो चीज बहुत मेजर आती है कि लाइक मैंने राइड बुक करवाए, गर्ल की पिक्चर आ रही थी, गाड़ी आ रही, आई थॉट के ओके आई वांट अ फीमेल, आई थॉट अबाउट कि ओके फीमेल्स अब हर फील्ड में एंटर हो रही है, बट वहां पर भी मैंने एक गैप आइडेंटिफाई किया। जब राइट आई तो उसकी गाड़ी की शीशे फुल ब्लैक थे और मेल अंदर बैठे थे, गाड़ी मुड़ी थी। जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरी कजन ने राइड उसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो मैं इसलिए उसकी गाड़ी चला रही हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी अकेन याद है कि उबर इस तरह गाड़ियाँ क्यों पकड़ा देंगे, उन्हें क्यों नहीं पता चलता, उनके अपने एंट्री चेक पॉइंट होना चाहिए कि उनका जो गाड़ी निकली है उसमें ड्राइवर जो है वो वही बंदा राइड कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए गेट पे कि जब राइड स्टार्ट हो तो कोई बटन ऐसा क्लिक करे जिससे पता चले कि वही बंदा बैठे गाड़ी में, उसी ने राइड वो कैप्टन वही है जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, ये सेफ्टी पॉइंट पे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज का सलूशन मौजूद होता है, बट हम लोग थोड़े से फॉर ग्रांटेड चीजों को लेते हैं। उबर और क्लीन जब से बैठी हुई है, लाहौर की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी क्योंकि ऑफकोर्स ये चीजें मुझे लाहौर में फेस करनी पड़ी। कुछ जो कैप्टन है वो बहुत एक्सट्रीम बदतमीजी करते हैं, लाइक एक कैप्टन ने मेरी कजन की जी उन्होंने कहा कि पिक एंड ड्रॉप कर लेके ठीक है मैं आपको पिक एंड ड्रॉप मंथली कर लूंगा, बट उस बंदे का बिहेवियर इतना नेगेटिव हो गया और प्लस ये कि हमारे पास कोई नहीं हुआ था कि हम उबर के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते, क्योंकि जो मिसबिहेव उसने किया था वो उसे उबर के थ्रू ही किया था, थोड़े गैप पे जाकर उसकी गाड़ी रोकी उनके घर से थोड़ा सा आगे जाके और कहा कि जी मुझे पैसे दे और मेरे पास तो पेट्रोल खत्म हो गया।
इन सब चीजों के लिए क्योंकि जब ऊबर पे जो ऐप पे कंप्लेन होती है उस पर मैंने कभी मैंने बहुत दफा कंप्लेन करवाई है, मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाई कि आई मीन उनके लिए बहुत सिंपल एक चीज है कि ठीक है कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है। इवन जब अपने कैप्टन से कुछ बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमारे इंटरव्यू हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं, आप हमें तो फिर भी सुन लेते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी किसी ऊबर की मैनेजमेंट ने किसी से कॉन्टेक्ट किया। अगेन अगर आपने एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई है तो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कि वो ये चेक पॉइंट करे इसका क्या सिस्टम है, क्या गैप्स है। और जो अब अगर आज और चीजें ये आती है कि ऊबर ने पहले राइड्स जो स्टार्ट की थी कि चीप फेयर होगा, बट अगर अब आज के टाइम पे देखा जाए तो उनका इतना एक्सट्रीम हाई होता है कि जो आप नॉर्मल टैक्सी करवाए तो शायद वो आपको थोड़ी सी लो पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अगर लाहौर में अगेन वही देखें तो गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। एयर टैक्सी पहले चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, बट अब एयर टैक्सी कहीं नजर नहीं आती क्योंकि ऊबर को ये फील हो रहा है कि वो बस मोनोपोली में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज अगर आप लोगों ने स्टार्ट की थी तो आई थिंक सो उसको अच्छे तरीके से लेके चले और इस चीज को थोड़ा सा आप एक फोकस ग्रुप बिठा लें जिसमें आप कुछ सिटीजन को भी इन्वाइट कर लें, कुछ आप अपने कैप्टन को इन्वाइट करें, जहां पर गैप्स हैं उन गैप को रिमूव करें तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए भी बहुत बेहतर होगा, आप लोगों की और सर्विस इंप्रूव होगी और लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। थैंक यू सो मच। एलिगेंस लर्निंग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।